मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के बैंकेट हॉल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जो है यंग फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 36 सालों से जो है आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि जो शीर गाँव मुंबई कोकण समाज का है, वहाँ से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उन छात्रों के जो अच्छे नंबर से जो पास होते हैं, उन छात्रों को जो है इस कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के तौर पे जो है नजीम मुल्ला यहाँ पर उपस्थित थे और जो है अली एम समसी यहाँ पर उपस्थित हैं और ख़ास तौर पे जो कोकण समाज की जो छात्रा हैं उनको इस कार्यक्रम के द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि नजीम मुल्ला यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। जिला मुमरा में कौसा में शुरू किया है, खुसूसन ये अदारा तो 36 साल पहले शिरगांव रत्नागिरी से इसकी तामीर हुई थी और कोकनी बिरादरी में और कोकनी बिरादरी के बच्चों को फैसिलिटेट किया, बट उन्होंने सभी लोगों को उसमें बुलाया था। जो इज्जत दे के इज्जत मिलती है वो जो बात है, उन्होंने हकीकत में फ्रेंड्स नाम को उनकर के करीम भाई को बुलाया था, हीरा पाटिल को बुलाया था, सभी लोगों को बुलाया था। और ये ऐसे अदारे जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक ये फलाई काम करते रहेंगे, तालीम में अपने काम में कभी बेदर्दी नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आपने मन से कहा कि जो बच्चों को शिक्षा में अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो बैंक की तरफ से। देखो ऐसा है कि रास्ते पानी चार दिन नहीं मिले तो चल जाता है, पर तालीम के इसमें एक छोटी सी मायूसी आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी पीछे हट जाती है। तो बेशक कोकण बैंक के ज़रिए हम जो मेंबर्स के बच्चे नहीं हैं उनको नए नए तरीके से एजुकेशनल लोन्स और वो देते ही है, पर छोटे पैमाने पे जो फीस या कुछ अच्छे मेरिटस बच्चे हैं जो उमदा टॉप पोस्ट किए हैं और कुछ फीस में मदद होती है और उनके वालिद या वालिदा कोकण बैंक के शेयर होल्डर रहेंगे तो बेशक उनको हम फाइनेंशियल एड करते हैं। वी हैव रिजर्व दैट फंड क्योंकि हमारा एक सोशल कमिटमेंट है कोकण बैंक के ज़रिए, ना कि लोगों का पैसा महफूज रखना, बट वो पैसे के साथ साथ एक सोशल कमिटमेंट भी है जो कॉम को हमें देना लगता है। क्या नाम है आपका और जो आपको यहाँ पर आज ये मेमेंटो दिया गया है, ये ट्रॉफी दी गई है, आपको किस लिए दिया गया? मेरा नाम जिया फातिमा समीर मोंगल है और ये बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए दिया गया है जो कि मैंने स्कोर किया है। इसके लिए बस सोसाइटी है हम लोगों के गांव की तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को इसीलिए। अच्छा, जो ये शीर गांव है वहाँ के रहने वाले जी। और आप लोगों को शिक्षा में अगर कुछ तकलीफें होती है तो आपकी जो कोकण समाज की जो संस्थाएं हैं क्या ये आप लोगों को सहायता करती हैं? जी हमेशा, मतलब जो भी गरीब लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सोसाइटी हमेशा हर किसी को हेल्प करती है। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है ये 36वां अफेयर है, 35 साल से ये सिलसिला चल रहा है और बेहद खुशी की बात है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये हमारी फाउंडेशन की जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको फैलिसिटेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है आगे बढ़ने के लिए। और इस फाउंडेशन के जो बड़े बड़े लोग हैं, नियाज नकवा साहब, आशिक गर्दी साहब, हमारे अली शम्स साहब, हमारे नजीब मुल्ला साहब, जो इस फाउंडेशन को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो बेहद खुशी है मुझे कि मैं आज इस फाउंडेशन का हिस्सा हूं और मुझे इस फाउंडेशन में एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कार्यक्रम में आया हूँ वेलफेयर सोसाइटी के, मेरा दिल जो है खुशियों से भर गया। मराठी में बोलना है कि मैं आनंदाने भारावन गेलो आहे। इतना खुश हुआ कि किसी इदारे का 36 साल तक चलना ये अपनी जगह पर एक मिराकल है, एक चमत्कार है। इसके लिए मेहनत करने वाले दिल से और बेगरज मेहनत करने वालों की ज़रूरत होती है। मालिक की मेहरबानी से इस इदारे में जो ऐसे लोग मिल गए हैं। क्या नाम है आपका, आपको जो आज यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है ये किस लिए दिया गया है? मैं पहले तो शुक्रिया गुजार हूँ सारे मेम्बरान जो भी मौजूद हैं यहाँ पे, मेरे अब्बा जो ऑर्गेनाइज़र है ये प्रोग्राम के। ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी होना चाहिए जिस वजह से बच्चों की हौसला अफजाई होती है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको एक बैकग्राउंड मिलता है कि अगर हम आगे चल के ऐसे परसेंटेज लाएंगे तो हमारी भी दुनिया के सामने हौसला अफजाई होंगी, हमारी भी एक बोल सकते हैं हम एक वैल्यू बनेगी कि हम बहुत
अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास बहुत एजुकेशन है, हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है, तो ये सब होना चाहिए जिस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, हर एक लेवल पे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे घर वालों से। आप क्या कहेंगे जो शिक्षा का क्षेत्र है, जिस तरह से कोकल समाज से जो छात्राएं हैं, इस तरह से जो अच्छे नंबरों के साथ, अंकों के साथ पास होती हैं, और 36 साल से आप लोग ये कार्यक्रम लगातार यहाँ पर करते आ रहे हैं। देखिए, आज ये हमारा जो यंग फ्रेंड का जलसा था, इसमें हमने हमेशा पूरी कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइयां कामयाबी लेकर आते हैं, तो वो लाने के बाद में लोग सिर्फ वाह वाह करके जो है वहाँ तक ही रुक जाते हैं। तो लिहाजा आज जो ये प्रोग्राम हमारा हुआ, ये हमेशा होता आता रहा है, और उसकी वजूहत ये होती है कि बच्चे जब SSC, HSC और डिग्री लेने तक अपनी कामयाबी का किरदार बनाते हैं, तो बेशक उनके पीछे इस तरीके से मोहब्बत का इखलास होना चाहिए, तो बच्चों को आगे बढ़ने में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल होती है, और बच्चे हौसला अपना जो है कायम रखते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में काम कमा लेते हैं। देखा जाता है कि जो कोकण समाज में ऐसे कार्यक्रम अगर होता है तो कुछ ही बच्चों को लाया जाता है, तो क्या आप लोगों के में कुछ ऐसी संस्था जो है वो कुछ गरीब तबकों के लिए भी कोकण समाज में कुछ ऐसा कदम उठाती है जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब तबका हो, पीछे हो? जी बिल्कुल, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये इदारा यंग फ्रेंड है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुसूसन जो है गरीबों के मकसद के लिए ही काम करता है। अल्लाह का एहसान है कि इस इदारे ने आज तक एजुकेशन फील्ड में भी काम किया, मेडिकल फील्ड में भी काम किया, और खुसूसन जो हमारे मशतूरात, हमारी जो विडोज़ बन जाती है, जो बेवा बन जाती है, जिनका आगे पीछे कोई होता नहीं, और ऐसी बेवाएं होती है कि जो हाथ फैला के बाहर नहीं आती, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और महाना माशाल्लाह उनकी भी हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम को मैदान में अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज के लिए किया है, और हमेशा हम गरीबों के लिए, गुरबत के लिए हमेशा हर जगह जो है वेलकम आगे रहते हैं, और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से आपने सुना कि जो कोकण समाज की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था, जो छात्राएं थी, जो छात्र थे, उनको यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया इस जगह पर, और इसके यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट के तौर पर जो है यहाँ पर कोकण बैंक के चेयरमैन नजीम मुल्ला यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी कई छात्र छात्राओं को जो है अपने हाथों से यहाँ पर जो है पुरस्कार दिया। इस तरह से ये प्रोग्राम जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था, ये करीब 36 साल से इस तरह के इस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। जिस तरह से आपने सुना कि जो नियाज नकवा है जो इस प्रोग्राम का आयोजन किए थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जो कोकण समाज में गरीब तबके के जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसी तरह से जो है उनको भी जो मदद होनी चाहिए, इनकी तरफ से, इनकी संस्था की तरफ से उन्हें मदद मुहैया कराई जाती है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।